इस उपचुनाव को हम जीतेंगे। नवरात्र में घोषणा हुई नारी शक्ति की, ये चुनाव में विजय का परचम फहराने का काम करेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। ये तो चुनाव मुसीबत में आया है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत आया है। जनता साजिशों का जवाब देना अच्छी तरीके से जानती है। जो आदेश हमारा हाईकमान करेगा हम उस पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को हराना। विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां सपा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हम सब लोग परिवार के साथ थे और हम लोग ये पार्टी का ये करेक्टर है कि हम लोग दुख तकलीफ मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते। आज इरफान और उसका परिवार मुसीबत में है, तो ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूरी तौर पे परिवार के साथ में खड़ी है। क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है, तो पार्टी ने फिर परिवार पर भरोसा किया है, उनकी पत्नी को टिकट दी है। नवरात्र का अवसर चल रहा है, नवरात्र में नारी शक्ति के नाम की घोषणा हुई है और जब नारी लड़ने को खड़ी हो जाएगी दुनिया कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए मुझे उम्मीद है जो नवरात्र में ये घोषणा हुई नारी शक्ति की, ये चुनाव में विजय का परचम फहराने का काम करेगी। इस चुनाव को कराने की सारी साजिशें ही भारतीय जनता पार्टी ने करी है। इस चुनाव के लिए वो केवल साजिश और अत्याचार कर रही है। वो हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रही है, वो अपने मंत्रियों के माध्यम से लोगों को धमकाने का काम कर रही है, विकास की योजनाओं का खोखला ढिंढोरा पीटने काम कर रही है। लेकिन कानपुर महानगर की जनता है, यहाँ के लोगों को अच्छे बुरे का भली बात ज्ञान है। सीसामऊ के लोग तो परमानेंट सोलंकी परिवार से जुड़े रहे हैं, 6 बार जिताया है। ये तो चुनाव मुसीबत में आया है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत आया है। जनता साजिशों का जवाब देना अच्छी तरीके से जानती है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी साजिश है, जो कुचक्र है, इनका जवाब सीसामऊ के लोग देंगे, समाजवादी पार्टी के लोग देंगे। और ये कुछ भी साजिश कर लें, जो इनका आंकड़ा है अभी लोकसभा चुनाव 60,000 वोट का और हमारा आंकड़ा है 87,000 वोट का, कैसे अपना बढ़ाएंगे? ये हमारा घटाने पे तो फोकस कर सकते हैं, अपना कैसे बढ़ा लेंगे? कौन सी इनकी लोकप्रियता बढ़ गई है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरेगा और कानपुर जनता भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की सियासी कुचक्र और साजिशों को नाकाम करने का काम करेगी। अखिलेश यादव के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के बाद राजनीतिक गलियारों में कहीं न कहीं कांग्रेस और सपा के गठबंधन में दरार के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन इन बातों को कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने नकार दिया है। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान जैसा निर्णय लेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। हम लोगों के लेवल पे कोई खटास नहीं है, हम लोग सिपाही हैं हाईकमान के, जो हाईकमान का आदेश होगा हम उसके हिसाब से अपना कार्य करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी एक सम्मेलन हुआ सीसामऊ का, वो इसलिए हुआ कि अगर हमारा हाईकमान ये आदेश देता है कि आपको चुनाव लड़ना है जाकर, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमारा हाईकमान कहता है कि गठबंधन में आपको चुनाव लड़ना है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा हाईकमान कहता है गठबंधन में कांग्रेस लड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। हम आदेश की प्रतीक्षा में हैं। जो एक फौज में क्या होता है, सिपाही को जो ऊपर का आदेश मिलता है सिपाही उसको एग्जीक्यूट करता है, तो हम लोग तो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आदेश और फरमान ऊपर से आएगा, उस पर हम पालन करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी लड़े या गठबंधन का प्रत्याशी लड़े या सपा का प्रत्याशी लड़े, यही तो है। हम आदेश की प्रतीक्षा में, जो आदेश हमारा हाईकमान करेगा हम उस पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उधर उपचुनाव को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी दल के साथ बैठक नहीं करेगी। वहीं नई दिल्ली में बीजेपी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा इस मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, साथ ही प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। बीजेपी हाईकमान उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने बार बार दिए हुए टिकट को बदल दिया और वहां पर जो चर्चा है, जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं, उसमें लोगों का ये कहना है कि ये दोबारा टिकट कटेगा और किसी दूसरे को मिलेगा।
लेकिन ये विषय हमारा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का विषय है, वो पार्टी जाने कि उसने क्या करना है। लेकिन चूंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में उनकी गतिविधियां रही हैं, इसलिए ये चर्चा इन लोगों का करना स्वाभाविक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि हम कैडर बेस्ड लोग हैं जो पूरे 5 वर्ष लोगों की सेवा करते हैं और एक एक बूथ पर एक एक गली में हमारा कार्यकर्ता अपने भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की यानी मोदी जी की और योगी जी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है, उनके सुख दुख में खड़ा होता है। इजी कनेक्टिविटी और इजी अवेलेबिलिटी के आधार पर हमारा कार्यकर्ता और हम सब लोग जनता की सेवा करते हैं, जिसके आधार पर इस उपचुनाव को हम जीतेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगी। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जनता जो पिछले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ फैलाया, जिसके आधार पर कुछ लोकसभा की टिकट पा गए और उस आधार पर लोकसभा की सीटें कुछ पा गए, उस आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल इन्होंने शुरू कर दिया था, वो तो धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कानून व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस पर चलाने के संकल्प के साथ उस स्थिति को नियंत्रित किया है। वरना ऐसे अराजकता सड़कों पर प्रारंभ अभी से कर दी, इनका चरित्र अभी से दिखने लगा है। लेकिन जनता चूंकि हरियाणा के चुनाव में भी उसने उस झूठ को अब नहीं माना जो बराबर इनके द्वारा फैलाया जा रहा है, जनता समझ चुकी है कि आरक्षण बदलना होता, संविधान में परिवर्तन करना होता तो मोदी जी 10 वर्ष से देश में शासन में प्रधानमंत्री थे तो वो बदल सकते थे, लेकिन कोई बदलने का इरादा ही नहीं था। और अब जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं तब भी ना आरक्षण बदला गया, ना कहीं संविधान में कोई बदलाव हुआ। इसलिए अब ये भी जो भी झूठ फैलाएंगे उसको जनता समझती और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर गर्मा गर्मी तेज हो गई है। नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है, लेकिन इन सबके बीच देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस पर भरोसा जताती है और यूपी की 10 सीटों में कितनी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और कितनी सीटों पर सपा कांग्रेस अपना कब्जा जमा पाएगी, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज़।